हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड में स्वागत है। आपने हाल ही में रिलीज पॉपुलर गाना चुरा के दिल मेरा देखा होगा। उस गाने में शिल्पा शेट्टी के साथ जो एक्टर है वो कोई और नहीं बल्कि फेमस डांसर जावेद जाफरी का बेटा और फेमस कॉमेडियन जगदीप का पोता मिजान जाफरी है। मिजान की हंगामा 2 पहली मूवी नहीं है बल्कि इससे पहले फेमस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली उन्हें अपनी फिल्म मलाल से लॉन्च कर चुके हैं। हालांकि उस फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं किया था, पर 3 बातें उभर कर सामने आई थी। पहली ये कि मिजान बहुत हद तक अपने फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर की तरह दिखते और बोलते हैं। दूसरा ये कि वो अपने पिता जावेद जाफरी की तरह कमाल के डांसर हैं। और तीसरा ये कि वो एक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं। मिजान अपनी फिल्म से ज़्यादा मीडिया में इस बात के लिए चर्चा में थे कि उन्हें अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा के साथ कई बार कई मौक़ों पर देखा गया है और ये र्यूमर उड़ने लगा कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि मिजान ने कहा कि मीडिया के इस र्यूमर से उनका नव्या के घर जलसा जाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां हर समय मीडिया रहती थी और जब वो अमिताभ के घर नव्या के साथ जाते तो वहां सब कुछ ऑकवर्ड हो जाता। इनफैक्ट जब वो अपने घर भी जाते तो वहां उनके पेरेंट्स ने भी उनको वियर्ड लुक्स देना शुरू कर दिया था। मिजान ने एक इंटरव्यू में यह क्लियर किया कि नव्या उनकी छोटी बहन अलविया जाफरी की बहुत अच्छी फ्रेंड है और जब वो उनके घर उनकी बहन से मिलने आती थी तो इन दोनों में भी दोस्ती हो गई। उन्होंने बताया कि वो दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, पर मीडिया की कृपा से उनका साथ दिखना भी दूभर हो गया है। वैसे मिजान की बेस्ट फ्रेंड या कहे चाइल्डहुड फ्रेंड संजय लीला भंसाली की नीस शर्मिन सेगल है, जिन्होंने मिजान के साथ ही मूवी मलाल से एक्टिंग में अपना डेब्यू किया और उन्होंने ही मिजान को एक्टर बनने के लिए प्रेरित किया था। मिजान मलाल फिल्म के आने से पहले संजय लीला भंसाली को असिस्ट करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने पद्मावत के कुछ सीन्स में रणवीर सिंह के बॉडी डबल के रूप में काम किया था। रणवीर सिंह कुछ कारणों से शूट्स के लिए नहीं आ सके थे और उन सीन में मिजान ने उनका रोल निभाया था। मिजान एक बेहतरीन डांसर हैं। उन्होंने यह डांसिंग स्किल अपने पिता जावेद जाफरी और चाचा नावेद जाफरी से सीखी है। उन्होंने एक्टिंग के कई गुण अपने दादा और फेमस एक्टर जगदीप से लिया है। इसके अलावा मिजान मार्शल आर्ट में ट्रेंड है। वो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे हैं। एक्टर बनने से पहले वो म्यूजिक और स्पोर्ट्स में ही कुछ करना चाहते थे। उन्होंने गिटार की भी प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। मिजान के पास 90s के गानों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। मिजान जावेद जाफरी के 3 बच्चों में से सबसे बड़े हैं। जावेद जाफरी नेपोटिज्म के काफ़ी खिलाफ हैं और इस कारण मिजान को इंडस्ट्री में अपने लिए कॉन्टैक्ट्स और रास्ता खुद बनाना पड़ रहा है। मिजान अपने पिता के सोच को सम्मान देते हैं, पर उन्हें अपने पिता के सोशल ना होने से परेशानी है। उनका कहना है कि उनके पिता के सोशली कम एक्टिव होने के कारण उन्हें वो मुकाम नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे। मिजान अपने पिता के सख्ती के कारण उनसे ज़्यादा करीब नहीं हैं, पर अपनी माँ के वो दुलारे हैं। मिजान मलाल में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाए, पर उम्मीद है कि हंगामा 2 में वो सबको भा जाएंगे। हंगामा 2 फेमस मूवी हंगामा की सीक्वल है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। थैंक यू सो मच।